नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिपक्ष चल रहे हैं और इस प्रतिपक्ष में कई दिन बीत भी चुके हैं और अमावस वाला समय भी एक दो दिन में आ रहा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने व्यवस्था के कारण अपने पितरों का अर्थ जो भी उनके क्रियाकर्म जो भी अपनी प्रतिपक्ष की चीज़ें होती हैं और जो नियम होते हैं उनको फॉलो नहीं कर पाया है, तो उनको परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है ब्राह्मणों को खिलाने के लिए या और किसी काम के लिए और कहीं आप बिजी हैं किसी काम में, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आइए जानते हैं, अगर हम अपने पितरों को जो बिजी लाइफ की वजह से हम जो पितरदान होता है और जो भी नियम होते हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक काम कर लेंगे तो आपका जो प्रतिदोष है वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो कार्य है कि अमावस के दिन शाम को एक देसी घी का दिया आप किसी वट वृक्ष पे या आप पीपल के पेड़ पर या आप जला कोई जलाशय मिल जाए, तालाब वगैरह मिल जाए, वहाँ पर दक्षिण की तरफ मुख करके आप उसको जला दीजिए। तो इतना सा कार्य करने से ही आपको प्रतिदोष से मुक्ति मिल जाएगी। वो ऐसे कि इन 15 दिनों में जो पितर आते हैं तो वो दिन भर रहते हैं और जो भी उन्हें अन्य जल ग्रहण जो भी करते हैं वो करते हैं और शाम को वो लौट जाते हैं अपने लोक में। तो अमावस वाले दिन ये आखिरी दिन होता है और आखिरी दिन में ये अपना अन्न जल ग्रहण करते हैं और शाम को ये अपने लोक में चले जाते हैं और पानी पीने के लिए वो जलाशय में जाते हैं। और जलाशय में शाम को आप अगर दिया जला देते हैं देसी घी में, देसी घी का, तो उस समय वो पितर वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो आपको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि आपने उनके लिए दिया जलाया है और वो आपको आशीर्वाद देते हुए अपने लोग को प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये छोटा सा कार्य है उन लोगों के लिए कि जो इस व्यवस्था वाले जीवन में ये समय नहीं निकाल पाते हैं या ना निकाल पाए हों, वो लोग ये कार्य कर सकते हैं और चिंता मुक्त अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी जानकारी और ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय गुरु।